जरा सोचिए, एक नदी है और उस पर ट्रक दौड़ रहे हो, या आपकी आंखों से निकले आंसू बूंद बन के निकले और बर्फ बन के टपक पड़े। पढ़कर अजीब लगाना, लेकिन ये हकीकत है। रूस के याकुतिया इलाके में सामान्य तापमान -40 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ खाने के लिए फ्रोजन मछलियाँ मिलती हैं। यहाँ के तापमान का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जितना आपके फ्रिजर का तापमान होता है, उसका दुगना इस शहर का सामान्य तापमान होता है। स्थानीय नागरिक और दुकान वाले बताते हैं कि सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक ही लोग घरों से बाहर निकलते हैं। दुकान का सामान भी जल्द ही बिक जाता है, क्योंकि लोगों को ठंड लग रही होती है। इसकी वजह से वो ज्यादा देर तक मोल भाव नहीं कर पाते हैं। लोग बताते हुए कहते हैं कि पूरा दिन चाय या कॉफी पीकर बीतता है, या फिर आधे घंटे पे कहीं अलाव या हीटर जलाकर लोग बैठ जाते हैं। पूरा इलाका बर्फीले होने के कारण लोगों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, मगर यहाँ के लोग उसका भरपूर मजा लेते हुए नजर आते हैं। और खासकर क्रिसमस का इंतजार लोग पूरे सब्र के साथ करते हैं। और -55 का तापमान होने के बाद भी इस दिन लोग रात भर लेनिन स्क्वायर पर डटे रहते हैं और पूरी खुशी के साथ क्रिसमस को मनाते हैं। अगर तापमान 50 से नीचे चला जाता है तो यहाँ पर स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। लोगों को पानी पीने के लिए भी बर्फ को पिघला के पानी बनाना पड़ता है और फिर उसको किसी गर्म रखने वाले कंटेनर में रखना पड़ता है। साथ ही तमाम मुश्किलों के बाद भी लोग बेहद खुशी के साथ यहाँ रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।